Very good morning, students. I am your maths teacher, and today I am going to teach you maths of class 6. And today we start new chapter, chapter number 6, fractions. And today we do exercise 6.1. Now see in the book. This is your maths book, maths of class 6. Now open chapter number 6. This is the chapter number 6. 6 chapter hai fraction. First of all, you know what is the fraction? Dekho fraction kya hota hai? Fractions are always written in the division form. ये फ्रैक्शन को बच्चों हम हमेशा डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं. देखिए इस कॉपी में देखिए आप टू अपॉन सेवन, ये हमारा फ्रैक्शन. इसको हम ये डिवीजन है. देखो डिवाइड को हम अपॉन की फॉर्म में भी लिखते हैं, चाहे तो हम इस तरह से लिखें या फिर इसे हम इस तरह से लिखें, लेकिन ये जो है ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है और ये हमारा डिवीजन फॉर्म है. तो डिवीजन को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं. तो ये हमारा फ्रैक्शन 5/3. इसे हम अगर डिवीजन में लिखेंगे तो 5/3, इस तरह से हम इसको लिखेंगे. अब बच्चों जैसे ये है हमारा 2/7, ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है. ऊपर वाला जो नंबर है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे का नंबर है इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं. ये आपको याद रखना है, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर. और टू और ये बीच की जो लाइन होती है इसे कहते हैं अपॉन. 2/7 ये हमारा फ्रैक्शन. हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1. ये हमारी एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1. राइट दीज फ्रैक्शंस इनटू नंबर्स. देखो ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इन वर्ड्स को हमें नंबर्स में लिखना है. तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है ए में 2, तो हम ऊपर 2 लिखेंगे. सेवेंथ, तो 7 हम नीचे लिखेंगे, यानी 2/7. तो देखो इस तरह से लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, 2/7. इसी तरह से देखिए ये बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 3/4, तो 3/4, 3/4, इस तरह से लिखेंगे हम. इसी तरह से ये सभी हैं हमारे एफ तक, तो इन सबको हम इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे. सी में हम लिखेंगे 19/100, डी में लिखेंगे हम 1/2, ई में लिखेंगे 4/27, एफ में लिखेंगे 1/4. तो इस तरह से ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है नंबर. समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरह से लिखना है, बहुत सिंपल है. जो फर्स्ट नंबर है स्पेलिंग है वो ऊपर, और जो आगे की स्पेलिंग है वो नंबर नीचे. फोर्थ यानी 4 हो जाएगा, 3/4. 19 ऊपर लिखेंगे, हंड्रेड्स ये नीचे लिखेंगे, तो 19/100. अभी जैसे मैंने आपको बताया. क्वेश्चन नंबर 2, राइट दिस फ्रैक्शन इन वर्ड्स. हमें ये वर्ड्स को हमने फ्रैक्शन की तरह लिखा था, अब हमें उल्टा करना है. ये फ्रैक्शन है इसको हमें वर्ड्स में लिखना है. जैसे 8/15 है, तो इसको हम इस तरह से वर्ड्स में कैसे लिखेंगे बच्चों, ऊपर देखो मैंने इस कॉपी में लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2, 8/15 है, तो
ऊपर 8 है तो पहले हम यहाँ 8 लिखेंगे, फिर डैश, और 15 है ये, 15 नहीं लिखेंगे लेकिन 15 थ, थ की साउंड निकालेंगे टी एच, तो 15 और फिर टी एच, 15 थ। इसी तरह से देखो ये 9/100 है, तो 9 हम पहले ऊपर 9 है तो 9 लिखेंगे, फिर डैश, अब 100 को हम 100 नहीं लिखेंगे, हंड्रेड्स, यहाँ पे हंड्रेड्स, ओके टी एच लगा देंगे, 100 फिर टी एच, 100। 5/19 है, पहले 5 लिखेंगे फिर डैश, अब 19 को लिखेंगे 19th, 19 और फिर टी एच, यानी नीचे जो भी नंबर है उसमें टी एच लगाना है। अभी 3 पर हमने लिखेंगे फिर डैश, अब ये है 17, तो हम क्या लिखेंगे 17 थ टी एच, 17 थ। इसी तरह से 4, पहले हम 4 लिखेंगे फिर डैश, अब ये 51, तो 51 का भी नहीं लिखेंगे, 51 ही लिखेंगे। अब ये है 5, ऊपर 5 है डैश, और ये 26 है तो इसको लिखेंगे 26th, तो इस तरह से हमने इसको वर्ड्स में लिखा। इसी तरह से लिखना है आपको। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये फ्रैक्शन लिखे हुए हैं बच्चों, इसमें हमें इनके नाम लिखने हैं कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। जैसे फर्स्ट है 1/5, देखिए नोटबुक में क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट 1/5, इसमें हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बताना है, तो पहले हम लिखेंगे न्यूमरेटर इक्वल, क्या है बच्चों इसमें से न्यूमरेटर कौन सा है, ऊपर वाला 1, यहाँ 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिनोमिनेटर की स्पेलिंग, और डिनोमिनेटर क्या हो गया नीचे वाला नंबर यानी 5, वो यहाँ 5 लिख देंगे। तो इसी तरह से ये सभी करने हैं। अब 6/19 में न्यूमरेटर कितना है 6, डिनोमिनेटर कितना है ये नीचे वाला नंबर 19, देखो 3 न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में हम 3 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 7। 2/31, 2 हमारा न्यूमरेटर है और 31 डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में 2 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 31। तो इस तरह से हमने इन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नंबर लिखना है हमें। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बुक में, यह है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू शेडेड पार्ट। देखो ये हमारे फिगर बनी हुई है और इसमें शेड किया हुआ है, कितना शेड किया हुआ है बच्चों 1, 2, 3, 3 पार्ट में शेड है, तो हम ऊपर नंबर लिखेंगे 3, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल पार्ट्स हैं 7, तो वह हम नीचे लिखेंगे, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 3/7। देखो इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसका लिखेंगे हम 3/7। इसी तरह से देखिए ये बी की फिगर है, ये इसमें कितना शेड हो रहा है 1 पार्ट, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/6। देखो हम यहाँ पर बी में लिखेंगे 1 ऊपर और टोटल पार्ट्स नीचे,
ये हो गया 1/6। इसी तरह से सी में देखिए शेड कितना है 1 पार्ट और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1, 2, 3, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/3। तो यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे 3। इसी तरह से देखिए डी पार्ट में कितना शेड है 1, 2, 3 पार्ट्स और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फ्रैक्शन बनेगा 3/8। तो जो शेड है वो हम ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट्स नीचे, तो फ्रैक्शन हो गया 3/8। इसके बाद देखिए ई पार्ट में शेड कितना किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 नंबर हम ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट्स कितने हैं 6, तो 5/6। देखिए हम ई में लिखेंगे 5 ऊपर और 6 नीचे, इसका शेडेड पार्ट हो गया 5/6 फ्रैक्शन। और एफ में देखिए कितने पार्ट शेड हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हम ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल पार्ट्स 8 हैं। तो पहले हम शेडेड पार्ट लिखेंगे 5, तो 5 ऊपर और नीचे 8, इसका फ्रैक्शन बनेगा 5/8। इस तरह से यहाँ की एक्सरसाइज 6.1 इज कंप्लीटेड।